अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स, इम्पोर्टेंट लॉन्ग्स बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 17 है ये, ठीक है। 17वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन का आपको मैं बताऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्मार्ट सिलेबस के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहला इसका क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन दी कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिबरलाइंस, या जिबरलाइंस, या जिबरलाइंस, ठीक है। ये है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर फोटो रिसेप्टर्स विद कीमो रिसेप्टर्स। ये मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रजिस्टर पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर इफेक्टर्स, गिव एग्जांपल्स। मैं आपको काफ़ी सारे यहाँ पर शॉर्ट बता दूंगा, तकरीबन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपने याद कर लेने हैं, लॉन्ग भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब आपको नज़र आ रहा हो उस पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स आंख एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेसिस एंड टैक्सिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं ये आपके सामने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 के। ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं ये, स्मार्ट सिलेबस से बाहर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है डिफाइन फीडबैक मेकानिज्म, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स, ठीक है। आठवां क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन CNS एंड PNS। ये 8 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दसवां क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, गिव इट्स एग्जांपल्स। और फिर इसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन है डिफाइन साइनेप्स। इसके बाद व्हाट इज एक्शन ऑफ निकोटीन ऑन कोऑर्डिनेशन। इसके बाद तेरहवां है राइट अ नोट ऑन अल्ज़ाइमर्स डिजीज। उसके बाद चौदहवां है व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज। इसके बाद है डिफाइन हॉर्मोन्स, इनलिस्ट देयर केमिकल कंपोजिशन। इस चैप्टर के 15 ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स आपको बताए हैं, इसके अलावा भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइनेप्स, हाउ डू न्यूरो ट्रांसमीटर्स हेल्प इन पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम न्यूरोन टू अनदर, फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन व्हाट इज साइनेप, यानी साइनेप वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। साइनेप वाला पूरा टॉपिक आपने याद कर लेना है या जितना लॉन्ग बनता है आपने कर लेना है। इसके बाद दूसरा है व्हाट आर रिसेप्टर, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन ईच क्लास, ये रिसेप्टर वाला लॉन्ग है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड पर आपने नोट लिखना है, ये थायराइड ग्लैंड वाला लॉन्ग है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इस चैनल पर आप अगर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर कोई मसला है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।